8 और बाकी सभी छात्रों को आपके हिंदी अध्यापक कुलदीप परदेसी का प्रणाम। आज की इस तकनीकी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आपने कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में प्रवेश पा लिया है। इस साल हमें 2 किताबों की पढ़ाई करनी है, एक संकल्प और दूसरा हिंदी व्याकरण। छात्रों, इस साल हिंदी व्याकरण की किताब में बदलाव किया गया है, वो इसलिए कि कक्षा 9 और 10 जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है उसके मुताबिक यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया है वो इस पुस्तक में अच्छी मात्रा में है। अब इसमें आपको प्रथम सत्र में 4 पाठ 2 कविताएं, द्वितीय सत्र में 4 पाठ 2 कविताएं। मैं आपको समय समय पर बताऊंगा कि कौन से पाठ और कौन सी कविताएं हैं। तो आज कक्षा का पहला दिन है, तो मैं आपको कापियां कौन सी और कितनी बनानी है। तो पहली हिंदी संकल्प के लिए 100 पन्ने की एक कापी बनानी है। कापी में 2 हिस्से बनाने हैं। पहला हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये संकल्प के लिए कक्षा कार्य, और उसको आधे में मोड़कर एक विभाग बनाना है गृह कार्य। अब यहाँ पर कक्षा कार्य में पाठ्यक्रम के नीचे जो प्रश्नोत्तर दिए हैं लेखनी से, वह मैं आपको लिखवा कर दूंगा, और जो मुख से है वो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में मैं चिन्हांकित करके आपको बता दूंगा उत्तर कहाँ है, आपको वो खुद गृह कार्य में करने हैं। छात्रों, व्याकरण के लिए आपको इस तरह से हिंदी व्याकरण करके एक कापी बनानी है। इसमें आपको 2 विभाग बनाने हैं। पहला विभाग पत्र, निबंध और चित्र वर्णन इसके लिए है, और दूसरा विभाग शब्द विभाग के लिए है। छात्रों, ये तैयारी हम कक्षा 9 और 10 के मुताबिक करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि क्या करना है, हिंदी विषय में ज़्यादा पढ़ाई करके हमें आगे इंजीनियरिंग मेडिकल उसमें जाना है, वहाँ पर हिंदी का तो कोई संबंध नहीं आएगा। आपका सोचना सही है, लेकिन छात्रों, हिंदी विषय ऐसा है कि उसमें यदि आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। जो आप 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरने का यहाँ पर मौका है। अब पिछले कुछ छात्रों का हमने लेखा जोखा देखा तो सबसे उच्चतम मार्क 100 में से 98 तक छात्रों ने पा लिए हैं। हर साल कक्षा में से 15 से 20 छात्र और छात्राएं तकरीबन 90% से ऊपर तक मार्क्स पाते हैं। तो आपको जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए आपके जो प्रतिशत है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्रणाम।